Hello everyone, in this video we'll be studying about cytoskeleton system. Cytoskeleton system, as the name suggests, the skeleton हमें पता है हमारी बॉडी में बोन्स एंड मसल्स जो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, तो उसी तरह सेल के अंदर जो स्केलेटन सिस्टम की तरह काम कर रहा है वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं. सो दीज आर सेंट्रियोल्स, सीलिया, फ्लैजेला, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एट्सेट्रा. सो लेट अस टेक अ लुक एट दैट. माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स जो ज़्यादातर मेम्ब्रेन वगैरह के साथ एसोसिएटेड होते हैं, मेम्ब्रेन्स के पास प्रेजेंट होते हैं, और यही कंबाइन करके बनाते हैं सीलिया, फ्लैजेला एंड सेंट्रियोल्स. सो लेट अस बिगिन विद माइक्रोट्यूब्यूल्स. ट्यूब्यूल्स आर द मोस्ट प्रोमिनेंट. जैसे हमें पता है कि इसका नाम ट्यूब्यूल है, तो ऑब्वियसली ये ट्यूब्यूलर फॉर्म में. सो दीज आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल पॉलीमर्स ऑफ प्रोटीन ट्यूब्यूलिन. ये किससे बनी हुई हैं? ये बनी हुई हैं प्रोटीन ट्यूब्यूलिन. इनकी जो वॉल होती है, द वॉल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इज बेसिकली वो पॉलीमर होती है प्रोटीन ट्यूब्यूलिन का. वो हेलिकली अरेंज होते हैं प्रोटीन ट्यूब्यूलिन, जिससे इनकी वॉल्स बनती हैं. काफ़ी बार इसमें क्रॉस ब्रिजेस भी बनते हैं. ये बेसिकली प्रेजेंट होती हैं या तो सिंगल या तो बंडल्स में. कभी कभी कहीं कहीं जगह पर सिंगली प्रेजेंट होती है, कहीं कहीं जगह बंडल्स में प्रेजेंट होती है इन द साइटोप्लाज्म ओनली. सो दे हेल्प टू मेंटेन द सेल शेप, आर एन इम्पॉर्टेंट फॉर इंट्रासेल्युलर मूवमेंट. ये शेप के लिए हेल्प करती हैं, सेल जो है वो अपनी शेप मेंटेन करके रखे. माइक्रोट्यूब्यूल्स आर डायनेमिक स्ट्रक्चर्स. ये डायनेमिक है. डायनेमिक का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर्स जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो सकते हैं. जैसे जब हम हमारे हाथ, हमारे पैर, जब हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है, तो हमें पता है कि मसल्स जो हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से मसल्स की शेप चेंज होती है, मसल सेल्स की, जिसकी वजह से वो मूवमेंट हो पा रही है. उसी तरह इनके भी स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आते रहते हैं, जिसकी वजह से वो मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं. सो माइक्रोट्यूब्यूल्स सच एज एस्टर्स एंड स्पिंडल्स एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स सच एज सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, सीलिया, फ्लैजेला एट्सेट्रा, ये सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें कुछ कुछ मूवमेंट के टाइम पे चेंजेस आते रहते हैं. ड्यूरिंग सेल डिविजन द माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट आउट फ्रॉम द सेल सेंटर विच इज़ माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर एंड इज़ लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस. सेल डिविजन के टाइम पे माइक्रोट्यूब्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो भी स्पिंडल फाइबर्स अराइज हो रहे हैं वो सारे कहाँ से हो रहे हैं, मतलब वो सारे क्या हैं? ऑल दोज आर माइक्रोट्यूब्यूल. और वो कहाँ से अराइज हो रहे हैं? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर. दिस इज़ लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस. वील डिस्कस इट लेटर ऑल्सो. These microtubules are the asters and spindles which play an important role in equal distribution. हमें भी पता है cell division के time पे the main thing which is happening along with many other things is spindle fiber formation. Spindle fibers की formation हो रही है. So the spindle fiber is what? It is a type of microtubule only. Now take a brief look at microfilaments. Microfilaments are found in close proximity of microtubules and form a network close to the cell membrane. Microfilaments जो होते हैं वो microtubules के आसपास ही present होते हैं, और ये ज़्यादातर present होते हैं cell membrane में. जैसे हमने discuss करा था endocytosis, exocytosis वाले lecture में, कि endocytosis कैसे होता है, कि membrane जो है वो अंदर की तरफ fold होती है, vesicles बनते हैं, membrane pinch off हो जाती है. तो ये जो membrane की movement हो रही है, ये fold हो रही है, fold होके वापस अपनी उसी form में आ रही है. सो वहाँ पे भी माइक्रोफिलामेंट्स आर समवेयर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो वो मूवमेंट में हेल्प कर रही है. ज़्यादातर जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं दे आर प्रेजेंट आर शीट्स और बंडल जस्ट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जैसे हमने पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल्स में प्रोटीन ट्यूब्यूलिन होता है, यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स में प्रोटीन एक्टिन होता है. सो दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन एंड इन आर इन कंटिन्यूटी विद द नेटवर्क ऑफ साइटोसोल. दे आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक फिलामेंटस स्ट्रक्चर. ये बहुत छोटे होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल से भी छोटे होते हैं. दे परफॉर्म सम साइटोस्केलेटन एंड कॉन्ट्रेक्टाइल फंक्शन. कुछ साइटोस्केलेटन फंक्शन मतलब कि फ्रेमवर्क बना रहे हैं सेल का, और कुछ ही हेल्प कर रहे होते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल फंक्शन में, यहाँ जहाँ पर सेल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है वहाँ पर. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज सेंट्रियोल. सेंट्रियोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर फाउंड नियर द सेल न्यूक्लियस. सेंट्रियोल्स बेसिकली एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं. ये हेल्प करते हैं सेल डिविजन के टाइम पे स्पिंडल फॉर्मेशन में. स्पिंडल्स जो अराइज हो रहे हैं, हमने कहा स्पिंडल्स क्या है, वो एक तरह की माइक्रोट्यूब्यूल्स है. बट फ्रॉम वेयर आर दे अराइजिंग? सेंट्रियोल्स की फॉर्म में, सेंट्रियोल्स से अराइज हो रहे हैं. सेंट्रियोल्स आर नाइन. इनका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. दीज आर नाइन सेट्स ऑफ आइडेंटिकल ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज इन अ रेडियल मैनर. अगर हम इसको देखें तो वी कैन सी आर डायग्राम ओवर हियर. हियर यू कैन सी द ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. यहाँ पे ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. एंड हाउ मेनी ट्रिपलेट्स आर देयर? देयर आर नाइन सच ट्रिपलेट्स.
यहाँ पे 9 ऐसे ट्रिपलेट्स प्रेजेंट है, और ये ट्रिपलेट्स दीज आर रेडियली अरेंज, ये सर्कुलर फॉर्म में, ये रेडियस सर्कुलर की फॉर्म में ये अरेंज्ड हैं. सो अगेन टेक अ लुक एट द सेंटेंस. 9 सेट्स ऑफ आइडेंटिकल ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोटिप्यूल्स अरेंज इन अ रेडियल मैनर इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंट्रियोल. सेंट्रियोल इज प्रेजेंट मोस्टली इन एनिमल सेल. द क्रॉस सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल रिवील्स 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स. ईच ट्रिपलेट हैव 2 कम्प्लीट एंड 1 इनकम्प्लीट रिंग. इनकी जो रिंग्स होती हैं वो 2 कम्प्लीट रिंग्स होती हैं और एक इनकम्प्लीट रिंग होती है. इन द सेंटर देर इज़ नो माइक्रोटिब्यूल दस एग्जिबिटिंग 9+0 पैटर्न. इनका एक मेन आइडेंटिफिकेशन होता है 9+0 पैटर्न, बिकॉज इनके साइड पे 9 रिंग्स हैं, लेकिन यहाँ सेंटर में यहाँ पे कोई भी रिंग प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, बट अभी हम देखेंगे देर आर सीलिया एंड फ्लाजिला विच हैव 9+2 रिंग्स, उनमें सेंटर में भी 2 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं. सेंट्रियोल्स टेक पार्ट इन सेल डिविजन. बेसल बॉडीज आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू सेंट्रियोल्स बट दे प्रोड्यूस सीलिया एंड फ्लाजिला. बेसल बॉडीज का स्ट्रक्चर भी सेंट्रियोल्स की तरह ही होता है. हम कहते हैं सेंट्रियोल्स को बेसल बॉडीज कहा जाता है व्हेन दे फॉर्म द बेस ऑफ सीलिया एंड फ्लाजिला. सो द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स, दे एक्ट एज माइक्रोट्रिब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, MTOC इसको शॉर्ट में बोला जाता है, माइक्रोटिब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, जहाँ से स्पिनल फाइबर का फॉर्मेशन होता है. एंड दे एक्ट एज बेसल बॉडीज, ये बेसल बॉडीज की तरह एक्ट करती हैं. कहाँ पे? एट द बेस ऑफ सीलिया एंड फ्लाजिला. नाउ टेक अ लुक एट सीलिया एंड फ्लाजिला. सीलिया एंड फ्लाजिला आर द लोकोमोटर ऑर्गेनेली. अभी तक जो हमने देखा, हमने देखा माइक्रोटिब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, सेंट्रियोल्स, ऑल दीज वर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, बट सीलिया एंड फ्लैजेला दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल. हम इनको बोल सकते हैं दे फॉर्म द आउट पॉकेट्स ऑफ द सेल. ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं जो हेल्प करते हैं सेल की मूवमेंट में. सीलिया एंड फ्लैजेला आर लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स दैट हेल्प टू प्रोपेल अ सेल टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द मटेरियल सराउंडिंग द सेल. बहुत कॉमन एग्जांपल है अमीबा. अमीबा जब मूव करता है, ऑल दो इट डजंट हैव सीलिया और फ्लाजिला, सो वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ पैरामीशियम. जब वो मूव करता है तो वहाँ पे सीलिया उसकी हेल्प करता है मूवमेंट में, तो वो प्रोपल्शन, जैसे एक स्विमिंग का मूवमेंट होता है वैसे प्रोपेल कर रहा होता है सेल को आगे पीछे साइडवेज मूव करने में, जहाँ से सेल अपनी डिजायर्ड प्लेस पे जा सके. सेल आर जनरली सीलिया आर जनरली शॉर्टर इन साइज एंड आर मोर इन नंबर देन फ्लाजिला. सीलिया जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, हेयर लाइक सर्फेसिस, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. वेयर एज फ्लाजिला जो होता है इट इज़ लॉन्ग. फ्लाजिला एक टेल की तरह होता है. अगर हम बोलें सेल के ऊपर छोटे छोटे से सीलिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फ्लाजिला इज़ लॉन्ग टेल. तो सीलिया ज़्यादातर न्यूमरस होते हैं. फ्लाजिला डिपेंड करता है, समटाइम्स इट इज़ सिंगल, समटाइम इट इज़ इन बंच, समटाइम कई केसेस में पेरीट्राइकस फ्लाजिला भी होता है, जहाँ पे फ्लाजिला जो है वो पूरे सेल की मेम्ब्रेन को सराउंड कर रहा होता है. Flagella usually occur alone or in small groups. The structure of cilia and flagella are more or less similar. Each contain a circle of 9 pairs of microtubules with 2 single microtubules in the center called as exoneme. Proteins unite these microtubules with exoneme and with each other. So here you can take a look ki yahan pe bhi 9 complete circles hai, like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 complete circles hai. प्लस सेंटर में भी 2 रिंग्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोला जाता है 9+2 पैटर्न. ठीक है, एंड दे आर कनेक्टेड. द माइक्रोटिब्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द सेंटर आर नोन एज एक्सोनीम. और यहाँ पे देर आर प्रोटीन बॉडीज जो इन जितने भी ये माइक्रोटिब्यूल्स हैं जो आउटर रिंग में हैं और जो इनर रिंग में हैं इनको कनेक्ट कर रही हैं, एंड आउटर वालों को आपस में भी कनेक्ट कर रही हैं. So the cilia and flagella have similar structure, but they differ in having centrioles with 9+2 pattern, 9 microtubules in the form of doublets, and the central 2 microtubules. The complete rings have dynein arms. तो वहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम centrioles में देखें, centrioles में 9+0 pattern था, and वहाँ पर there were triplets of 3 microtubules के triplets थे, लेकिन यहाँ पर 2 microtubules के triplet हैं. Cilia are more in number and smaller in size than flagella, and both help in locomotion. With this, we are done with the cytoskeleton system. Hope you find this video useful. Thank you so much for watching the video.